कोई लाल टोपी पहन के जाएगा, कोई भगवा जैसे आपने डाला हुआ है, और सुकेश भाई जाएंगे हाथ का सिंबल। भगवा भगवा तो हमारा अस्तित्व है, इस हिंदुस्तान की पहचान है सर। है। लेकिन मैं एक और असली पहचान बता रहा हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करता हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि जब आप जनता के बीच में जाएंगे, संजय जी, जी आपने कहा कि हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, मैं तब भी बोल रहा था कि आप विभाग अनुसार एक सूची जारी कर दीजिए, रैंडमली चेक कर लेंगे किस विभाग में किसको मिला और किसको नहीं मिला, नंबर के साथ, नाम के साथ और विभाग अनुसार। खैर वो रात गई बात गई। और मचा रहे हैं आज 4.5 लाख ऑन रिकॉर्ड है, 4.5 लाख नौकरियां, बेरोजगार नौजवानों को बिना जाति, बिना मजहब और बिना किसी भ्रष्टाचार के देने का काम किया है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि 3.5 लाख पद शिक्षकों के खाली रह गए, आपने भरे क्यों नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपको पूर्व में भी इस सवाल का जवाब दिया कि लगभग 4.5 लाख, देखिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो क्या रहा था, इस सवाल को के लिए आपको मुझे थोड़ा, इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा समय मुझे देना होगा। 3.5 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर खाली है कि नहीं है? 3.5 लाख पद शिक्षकों के खाली है कि नहीं? देख समय अनुसार उनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, आज अब बीच में चुनाव आ गए, अधिसूचना लग गई, तो इस चुनाव भी जरूरी है। रही बात ये कि हम तो नहीं कर पाए, लगातार हमने बीच में शिक्षकों की भर्तियां भी की है, पूर्व में ये लोग जो अधूरी प्रक्रिया छोड़ गए थे उनको भी हमने पूर्ण करने का काम किया, लगातार हम उस पर काम कर रहे थे। अब एक समय अनुसार आपके संकल्प पत्र में था कि 90 दिनों में नियुक्तियां पूरी करेंगे, मैं गलत हूं? देखिए पूर्व की जो ये लोग सपा और बसपा की सरकारें जो अधूरे काम बीच में छोड़ गई थी नियुक्तियों से संबंधित, हमने उनको पूर्ण करने का काम किया, आगे से फ्रेश हमने नई अधिसूचना जारी की थी, रिक्तियां निकाली थी, लेकिन बीच में चुनाव आ गए। 3.5 लाख सरकारी जी, आप 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति आप नहीं कर पाए, आपने 90 दिन में नियुक्ति पूरी करने का काम किया। अब मैं एक और आंकड़ा बता रहा हूँ, चावला 5 लाख से जी, चावला भाई एक मिनट, मेरी पद खाली पड़े हैं इस वक्त, 5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ? देखिए एक चयन की एक प्रक्रिया होती है, संबंधित विभाग रिकमेंडेशन करके उसको भेजता है, वहां से मंजूरी होती है, इस सब में एक समय लगता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप कोड ऑफ एग्जाम क्यों नहीं ले आते? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है चुनाव के लिए, है संजय जी? है जी, है सर। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव के लिए हो सकता है, मैंने कहा ना, मैं 80 और 20 की और 85 और 15 की लड़ाई में नहीं पड़ूंगा, मैं 100% की बात करूं। जब हमारे देश में चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, तो एक काम करिए ना कि एग्जाम के लिए एक मॉडल कोड ऑफ एग्जाम बना दी, मॉडल कोड ऑफ एग्जाम बना दीजिए, ना जात पर ना पास पर, मॉडल कोड ऑफ एग्जाम क्या करेगा? जैसे आप लोग तय समय पर अधिसूचना जारी होती है, तय समय पर चुनाव होता है, तय समय पर रिजल्ट जारी होते हैं, मॉडल कोड ऑफ एग्जाम तय समय में एग्जाम होंगे, तय समय नियुक्ति की प्रक्रिया 9 महीने में हम पूरी कर देंगे जी। ये हो गया आपका सीधे तौर पर मॉडल कोड ऑफ एग्जाम, ना जात पर ना पास पर, 80 और 20 नहीं, 85 और 15 नहीं, ये 100% की बात। अब बोलिए संजय त्यागी जी, संभव है? बिल्कुल संभव है, और बहुत एक अच्छा सुझाव आज आपने इस डिबेट के दौरान दिया है, और स्वागत योग्य ये आपका सुझाव है, भारतीय जनता पार्टी आपके सुझाव का स्वागत करती है, और आगामी जब हम दोबारा प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, खुले तौर पर बोल रहा हूं, इंप्लीमेंट करिए, ये जात पात की और 80-20 की लड़ाई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है। संजय जी ने कहा ना, मैं आपको बधाई देता हूं, आपने उन युवाओं का जिक्र किया, मैंने कहा एक को नौकरी दीजिए, आप लोग एक को भी नौकरी दीजिए तो मेरा एजेंडा चलता है ना तमाम न्यूज चैनल्स में,
इसको लड़वा दो उसको लड़वा दो, हिंदू मुसलमान जात पात ओबीसी, मेरा एजेंडा मैं खुल के बोलता हूं, बेरोजगारों की आवाज, युवाओं की आवाज, ये चलाता हूं एजेंडा मैं यहां पर, ये मेरा एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का एजेंडा, बेरोजगारों का मंच है ये, बेरोजगारों का। मैंने जो मैंने अभी बेरोजगारी के आंकड़े दिए इन पर आपका क्या कहना है, आप बताइए, जो बेरोजगारी के आंकड़े मैंने दिए इन पर आपका क्या कहना है, एक मिनट सुनने की, एक मिनट सुनने की, एक 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 मिनट सुनने की क्षमता रखिए, जब आप बीच में बोल रहे थे मैं नहीं बोला था, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, इतने उतावले बताइए, सुनने की क्षमता रखिए। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, लाल टोपी खतरे का निशान, यानी खतरा, वही उधर आप चैनल पर बैठकर मचा रहे हो।